इस वक्त मैं रायबरेली में मौजूद हूं और आज रायबरेली में चुनावी मतदान हो रहा है। ये मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये प्राथमिक विद्यालय गौरा बाजार नगर क्षेत्र रायबरेली का है, जहां पर मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही यहां पर लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। हालांकि जब पोलिंग सेंटर नहीं खुला था उसके पहले भी लोग गेट के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए थे। लोगों में वोटिंग को लेकर बहुत जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो वोट करके आए हैं, उनसे बात करते हैं। दादा, आपने वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया, बता दिया सर। तो दादा, मुझे ये बताइए कि इस बार रायबरेली में क्या चुनावी मुद्दे हैं? विकास, बेरोजगारी, महंगाई, बीए एमए पढ़े बच्चे, सुंदर लड़के वो ऑटो चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, नौकरी नहीं है, कहाँ गए नौकरियाँ, ये यही मुद्दे हैं। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी महंगा, हाँ बेरोजगारी। अच्छा, मुझे बताइए कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार सोनिया गांधी चुनाव यहाँ से जीती थी, तो लड़ाई है क्या बीजेपी और कांग्रेस में? हाँ, टक्कर तगड़ी है, टक्कर है, टक्कर तगड़ी है। सर, आपने वोट डाल दिया? आपने डाल दिया? हाँ हाँ, डाल दिया। क्या मुद्दे हैं इस बार रायबरेली में? सुरक्षा और बेरोजगारी। हाँ। जी, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, सुरक्षा मुद्दा है। जी जी, बिल्कुल। अम्मा, क्या नाम है? कमला। वोट डाल दिया आपने? तो ये बताइए, रायबरेली में कुछ मुद्दे समझ में आते हैं? अब हम बतावत हैं, जो वो बतावत हैं वो सही का हम बताए। अच्छा, लड़ाई है, चुनावी लड़ाई है? लड़ाई दुई लोग तो है ही, हम लड़बे करी है। के के? अरे मोदी और वो दिनेश प्रताप और राहुल गांधी। राहुल, हाँ, दोनों में लड़ाई है। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है रायबरेली में किस मुद्दे के आधार पर लोगों को उम्मीदवार का चयन करना चाहिए? अब हमको नहीं पता है भैया, ये सब क्या होता है। हाँ। तो आप जब वोट करने गई तो मन में कुछ आया कि इस मुद्दे के आधार पर वोट करूंगी? जो समझ में आए तो कर दिया। चलिए, तो ये कुछ लोग हैं जो वोट करने के बाद फिलहाल बाहर निकले हैं। मैं ये प्राथमिक विद्यालय गौरा बाजार की तस्वीर आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं कि आप देखिए, यहां पर लंबी लंबी लाइनें हैं, सुबह से ही यहां पर देखने को मिल रहा है। वोट के बाद लोग निकल भी रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि जो मतदान को लेकर जागरूकता की बात कही जाती है वो रायबरेली के हर पोलिंग सेंटर पर देखने को मिल रही है। आपने वोट कर दिया? क्या नाम है आपका? सीमा पांडे। तो क्या मुद्दा है चुनाव में रायबरेली में? देखी, वैसे तो भाई मेरे हिसाब से तो कमल को ही जीतना चाहिए, बाकी अब लोगों की सोच को तो हम नहीं बता सकते। मुद्दा क्या है? मुद्दा सभी विकास चाह रहे हैं और सबसे ज्यादा तो इस समय नौजवानों में बेरोजगारी जो चल रही है सबसे ज्यादा, क्योंकि जब से अभी मोदी सरकार ने वैसे तो बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन अभी युवाओं के लिए जो मेन क्या कहते हैं ये बेरोजगारी जो है उसके लिए अभी उन्होंने कोई भी नौकरी नहीं निकली है तब से। अभी यूपी उसका पुलिस का एग्जाम हुआ भी था तो वो भी आप देख ही रहे थे, वो भी नाकाम हो गया, उसका भी कोई वो नहीं, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया तो उसमें भी कुछ नहीं हो पाया। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तमाम सारे लोग हैं, इनको आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी यहाँ पर जो मतदान को लेकर जागरूकता है वो देखी जा रही है। सिक्योरिटी के लिहाज से अगर आप बात करिए तो पोलिंग सेंटर के बाहर जो एसएसबी के जवान है वो भी आपको यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से नजर आ रहे होंगे। हर पोलिंग सेंटर के बाहर तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल की गई है और लोग यहाँ पर शुरुआत से ही वोटिंग के लिए, आपको मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा जागरूकता देखने को मिल रही है। एक और सज्जन है जो वोट करने के बाद बाहर निकले, उनसे बात करेंगे। आपने वोट कर दिया दादा? क्या नाम है आपका? विनोद सिंह। दादा, क्या मुद्दे हैं इस बार रायबरेली में चुनाव के? विकास का मुद्दा। विकास का है, आपने वोट कर दिया? तो क्या मुद्दा है इस बार रायबरेली में? वही है, विकास वाला।